मंदसौर जिले में पिछले दिनों अतिवृष्टि से किसानों की खरीफ की फसलों में काफी नुकसान हुआ था। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धुंधड़का ने बगैर सर्वे मुआवजे की मांग को लेकर बड़वन पंटे पर धरना प्रदर्शन कर नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में सरकार से मांग की गई कि दीपावली जैसे त्योहार को देखते हुए मंदसौर जिले सहित मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समस्त किसान भाइयों को तत्काल बगैर सर्वे मुआवजा दिया जाए। साथ ही विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंका। धरने को विधानसभा प्रत्याशी रहे परशुराम सिसोदिया, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष किशोर गोयल, जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह चौहान, जिला कांग्रेस सचिव बालेश्वर पाटीदार, प्रदेश प्रतिनिधि प्रवीण मांगरिया, जिला प्रवक्ता सुरेश भाटी आदि ने संबोधित किया। संचालन राम लक्ष्मण धाकर ने किया एवं आभार मनीष शर्मा ने माना। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धुंधुड़का ने माननीय राज्यपाल महोदय के नाम नायब तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मांग की गई है कि पिछले दिनों जिस तरीके से अतिवृष्टि हुई है, लगातार बारिश हुई है और फसलें लगभग एक महीने तक पानी में डूबी रही है, लगभग 60-70% नुकसान हुआ है फसलों में। और हम चाहते हैं शासन प्रशासन से, सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि किसानों को बगैर सर्वे मुआवजा दिया जाए। हमारी एक ही मांग है, बगैर सर्वे मुआवजा दिया जाए। मुआवजा नहीं मिला तो आने वाले समय में हम सब कांग्रेस के लोग किसान भाइयों के साथ मिलके चक्का जाम भी करेंगे और माननीय प्रशासन का घेराव भी करेंगे। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धुंधुड़का के हमारे अध्यक्ष भाई किशोर गोयल के नेतृत्व में किसानों के सम्मान में आज ज्ञापन दिया, धरना दिया। मेरा कहना है इस मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, किसानों को लेकर के हमेशा दो मुंह ही बात करी है भाजपा ने। हमारे मंदसौर जिले में दो दो कैबिनेट मंत्री है। विशेष रूप से मैं इस जगह की बात करूंगा जहां बड़वन फंटा, जहां पर हमारा धरना और ज्ञापन हुआ। ये मल्हारगढ़ विधानसभा का क्षेत्र लगता है और यहाँ के विधायक हैं जगदीश देवड़ा, और ये वो जगदीश देवड़ा हैं जो स्वयं मंत्री भी हैं, लेकिन एक बार एक भी गांव में जाकर सर्वे नहीं करा, किसी का किसान को लेकर के ये आश्वासन नहीं दिया कि मैं आपको पूरा मुआवजा दिलाऊंगा, मैं बीमा दिलवाऊंगा। हम कलेक्टर महोदय से मिलने गए, वहाँ पर भी चिकनी चुपड़ी बातें हमसे कही गई। तो इसका मतलब साफ है कि शासन भाजपा के दबाव में है, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसानों को मुआवजा या बीमा मिले। मैं बता दूं कि किसानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सिर्फ एक राय चल रही है कि हमारे यहाँ तो केवल 10% नुकसान हुआ है, इनको मुआवजा बीमा देने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन वास्तविकता में कई प्रतिशत की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 50% के आसपास किसानों का नुकसान हुआ है। तो हमारी इस धरने के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से मांग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ही शासन चला रहे हैं, कलेक्टर को वो निर्देशित कर रहे हैं, मंत्री लोग निर्देशित कर रहे हैं, सब वो चीज़ कर रहे हैं। तो इस पूरे गोरख धंधे को नियंत्रित कर रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हमारी उनसे मांग है कि कम से कम किसानों को लेकर के अपनी नरमपंथी रुख को अपनाएं और किसानों को मुआवजा दें। देखिए, ये हमारे पूरे मंदसौर जिले सहित मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बिन मौसम बारिश और अतिवृष्टि के कारण हमारी सोयाबीन की जो मुख्य फसल होती है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, खराब हो चुकी है। ब्लॉक कांग्रेस धुंधुड़का द्वारा आज यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन करके, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके ये मांग की गई है प्रदेश सरकार से और यहाँ के जो हमारे निर्वाचित विधायक प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री माननीय जगदीश देवड़ा जी, उनसे ये निवेदन किया गया है कि जिस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी की सरकार में अतिवृष्टि हुई थी 2019 में और हमारी सोयाबीन की फसल तब भी नष्ट हुई थी, तब माननीय कमलनाथ जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा कि खेतों में चारों तरफ पानी ही पानी है, किस बात का सर्वे। उन्होंने ये तक कहा था कि फाइलों के पेट हम बाद में भरेंगे, पहले अन्नदाता किसानों के जेब में पैसा डालने का काम हम करेंगे। जब तक उनका हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ के वापस भोपाल गया, उससे पहले अन्नदाता किसानों के खाते में मुआवजा आने का क्रम शुरू हो चुका था। तो हम माननीय शिवराज सिंह जी से, माननीय जगदीश देवड़ा जी से ये मांग करते हैं कि आप भी कमलनाथ सरकार की तर्ज पे अन्नदाता किसानों को जो है मुआवजा देने का आप काम करें। और हमारा जो शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं तो हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे युवक कांग्रेस और हम सभी साथियों ने मिलकर यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का और मध्य प्रदेश सरकार का पुतला दहन भी किया है कि आप अगर हमको मुआवजा नहीं देंगे तो हम उग्र आंदोलन करने पर भी विवश हमको हम लोगों को होना पड़ेगा। मंदसौर से शाहरुख रजा की रिपोर्ट।